साग में सिर्फ बस नहीं बल्कि कई जिंदगियां जल रही हैं। आसमान में उठते धुएं के साथ सांस उखड़ गई। बस में आग लगते ही चीख पुकार मच गई। जो आग की चपेट से बच गए वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, क्योंकि उनके सामने उनके अपने बस में फंसे थे। अरे कोई नहीं है यार मामा, अब बचा जाओ भाई, बहुत बुरा हो गया यार। आग तेजी से बस को अपनी आगोश में लेने लगी। जो खुशनसीब थे वो बस से बाहर निकल गए, बाकी यात्रियों को आग ने घेर लिया। बस से उठते इस धुएं के गुबार को देखकर कोई भी घबरा जाए। इस प्राइवेट बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। बस फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही थी। कल रात 8 बजे के करीब कन्नौज के घिलोई गांव के पास बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रक लगते ही बस के डीजल टैंक में आग लग गई और इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बस से निकलने का मौका ही नहीं मिला। गुसागंज से चली है शिवराम और निकल के एकदम एक्सीडेंट हो गई, आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए, बस और ट्रक पूरी तरह आग की चपेट में खाक हो चुके हैं। कुल 25 यात्री इस दुर्घटना में सुरक्षित बचा लिए गए हैं। इसमें से 12 लोगों का तिरवा मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा है, 11 लोगों का यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। ये सभी लोग खतरे से बाहर हैं। जो डेड बॉडीज हैं वो आग लगने से इतनी ज़्यादा वो उनकी हड्डियाँ जो हैं बिखर गई हैं, इसलिए डीएनए टेस्ट के बाद ये क्लियर होगा कि कुल कितने व्यक्ति इस दुर्घटना में मृत हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है, कोहरे को हादसे की वजह बताया। सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो सूचना दी है उसमें ये चीजें आई हैं कि बस और ट्रक के आमने सामने के भीषण टक्कर के कारण, क्योंकि काफी कोहरा है उसके कारण इस दुर्घटना घटित हुई है, लेकिन फिर भी हमने इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बेहद दुखद हादसा है, सभी पीड़ित जनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हादसे में जिनकी जान बची उन यात्रियों ने बताया कि कैसे उन्होंने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। उनके सामने ही कई लोग जल गए। आग की लपटों के बीच 20 से ज्यादा घायल अस्पताल लाए गए। अरे कोई नहीं है यार मामा, अब बचा जाओ भाई, बहुत बुरा हो गया यार। कन्नौज में हुए दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर दिया है। जो यात्री बच गए उन्हें रह रहकर वो मंजर याद आ रहा है। कन्नौज से नीरज और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।